अब आपको बताएं कि हेड कोच और टेस्ट कप्तान के लिए इब्तदाई मुशावरत हेड कोच मिकी आर्थर के माहदे में एक साल की तौसीफ का इम्कान है, जराए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि जराए के मुताबिक तौसी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 चैंपियनशिप के मद्देनजर की जा रही है और मिकी आर्थर की कोचिंग में पाकिस्तानी T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर वन है। सरफराज का बोझ कम करने के हवाले से अजहर अली को दोबारा टेस्ट कप्तान बनाने पर इत्तफाक किया जा चुका है, जबकि सरफराज अहमद को वनडे और T20 का कप्तान बरकरार रखा जाएगा, जराए का ऐसा बताना है। जबकि जराए के मुताबिक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम को नायब कप्तान की जिम्मेदारी देने का फैसला सामने आया है। फैसलों का बाजाब्ता ऐलान 2 अगस्त को कमेटी इजलास के बाद किया जाएगा। तो आपको बताते चलें, अहम फैसले के हवाले से हेड कोच और टेस्ट कप्तान के लिए इब्तदाई मुशावरत हेड कोच मिकी आर्थर के माहदे में एक साल की तौसी का इम्कान है, जो कि जाहिर किया जा रहा है। और जराए के मुताबिक तौसी अगले बरस ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 चैंपियनशिप के मद्देनजर की जा रही है। मिकी आर्थर कोचिंग में पाकिस्तान T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर वन है। सरफराज का बोझ कम करने के लिए अजहर अली को दोबारा टेस्ट कप्तान बनाने पर इतफाक हो गया है, जराए की जानिब से ऐसा बताया गया है। जबकि सरफराज अहमद को वनडे और T20 का कप्तान बरकरार रखा जाएगा। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम को नायब कप्तान की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। हमें ज्वाइन किया है आमिर रजा खान ने, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वर्ल्ड कप के बाद ही ये फैसला किया था कि कुछ तब्दीली जो है वो मैनेजमेंट में की जाएगी और कुछ तब्दीली टीम में की जाएगी। लेकिन ये कप्तान की जो तब्दीली है ये भी कुछ शायद इकदाम ही कहना चाहिए कि सरफराज जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आए वर्ल्ड कप के दौरान, इसलिए अब ये फैसला किया गया कि अजहर अली को लाकर जो है वो टीम में टेस्ट टीम कप्तान के तौर पर पेश किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है। इस तरह से अजहर अली पर भी कुछ प्रेशर आएगा और वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और सरफराज पे जो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट है उसमें से टेस्ट क्रिकेट निकल जाएगी तो वो भी जो है वो उस पर तवज्जो दे सकेंगे जो अपनी T20 और वनडे की टीम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब से 1 अगस्त से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है जो कि 2 साल तक जारी रहेगी, इसमें तमाम ममालिक जो ICC के 9 ममालिक हैं मेंबर हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलने हैं। वो ये 2 साल का लंबा अरसा लगता है, 72 मैचेस टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, मुस्लिम ममालिक में ये मैचेस होंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अजहर अली पर डाल दी गई है कि वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम को इस टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो लेकर जाएंगे और इसी टेस्ट चैंपियनशिप की प्रेशर की वजह से ही मोहम्मद आमिर ने जो है टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार किया है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, पहली मरतबा ICC टेस्ट चैंपियनशिप कराने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है अजहर अली को लाने का, जो कि पहले भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये खुशाइन भी और अजहर अली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। इसके साथ साथ बाबर आजम को जो नायब कप्तान बनाया गया है वो भी अच्छा फैसला है और प्लेयर्स को एक मैसेज जाएगा कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छे अहदे पर रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि नायब कप्तान के लिए बाबर आजम का फैसला बहुत अच्छा है और अजहर अली को टेस्ट क्रिकेट के लिए ऐसे मौके पर बनाना जब सिर्फ 2 दिन 1 दिन बाकी रह गया है टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने के, वो अभी हमारा मैच ही नहीं है, अभी तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का पहला मैच है, लेकिन इसके बावजूद ये मैच खेलने हैं, उसकी तैयारी का मौका अजहर अली को मिलेगा और उनको अपनी टीम बनाने का भी मौका मिलेगा। मिकी आर्थर का ये कहना कि T20 में टीम जो है नंबर वन है, अगर उसकी बात कर लें तो मिकी आर्थर साहब ने अब कुछ तो कहना है, उनको अपनी कोचिंग बिछाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से भी अब सोचना होगा कि उनके वनडे और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया आमिर रजा खान, आप हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे थे।